मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में लोकायुक्त ने बड़ी कार्यवाही की है। यहां सागर लोकायुक्त की टीम ने एक कार्यपालन अभियंता को 1,00,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्यवाही SP लोकायुक्त रामेश्वर यादव के नेतृत्व में निरीक्षक मंजू सिंह और समस्त स्टाफ के द्वारा की गई है। टीम ने अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार टीकमगढ़ के रानीगंज थाना दिगोड़ा के निवासी 51 वर्षीय किशोर सिंह दांगी पिता स्वश्री दुर्ग सिंह दांगी ने सागर लोकायुक्त से शिकायत की थी कि अखिलेश प्रसाद त्रिवेदी कार्यपालन अभियंता मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र टीकमगढ़ ने 1,00,000 रुपए की रिश्वत की मांग की है। इसमें 50,000 नगद और 50,000 चेक के माध्यम से मांगे गए हैं। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। किशोर सिंह, आज क्या मामला हुआ है? मामला अपना एक चक्की का प्रकरण बनाया था हमने आज से 1 साल पहले, मतलब 2020 में। उसको बार बार ये रखे हुए हैं, अभी हमने कोर्ट में दिया तो बोले रिवाइज कर देंगे। रिवाइज के लिए बात हुई तो बोले अपन ऐसा करें कि अभी हाल 1,00,000 रुपये दे दें। हमने 1,00,000 की व्यवस्था नहीं बन पा रही है, तो बोले ठीक है अपन कम 50,000 रुपये दे दें, बाकी अपन रिवाइज कर देंगे तो 50 बाद में दे देंगे। उसके एवज में उन्होंने 50,000 रुपया और एक चेक रखा था। कब शिकायत की थी आपने? शिकायत अभी 8 दिन पहले की थी, उसके बाद 2-3 महीने पहले की थी। 3 बार शिकायत कर चुके, 3 बार शिकायत में अभी तीसरा मिल पाएगा। कितने की रिश्वत मांगी थी? उनने 1,00,000 रुपये मांगा था। जी 50,000 रुपये नगद दिया और 50 हमने रिवाइज कर दो तो आप चेक रख लो, 50 हम बाद में दे देंगे, चेक हमारा वापस कर देना। ये बात नहीं, 1,00,000 रुपए की रिश्वत लेके पकड़े हैं, क्या पूरा मामला है और कब शिकायत हुई? 30 सितंबर को आवेदक किशोर सिंह दांगी निवासी रानीगंज जिला टीकमगढ़ द्वारा शिकायत दी गई थी, जिसका सत्यापन किया गया। मतलब लोकायुक्त सागर में उन्होंने एक आवेदन पत्र दिया था जिसका सत्यापन किया गया। सत्यापन के दौरान पाया गया कि जो आवेदक है किशोर सिंह दांगी और उसकी वाइफ के नाम से MPB टीकमगढ़ के द्वारा चोरी का प्रकरण कायम किया गया था। उक्त प्रकरण में रिवाइज करने के लिए जो उस पर जुर्माने की राशि का जो प्रकरण बनाया था उसका रिवाइज कराने के एवज में कार्यपालन अभियंता जो हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर त्रिवेदी अखिलेश प्रसाद त्रिवेदी, इनके द्वारा ये कहा गया था कि जो भी हम आपको उसमें राहत दिलवाएंगे, रिवाइज प्रकरण बन जब तैयार करेंगे जो राहत दिलाएंगे उस राहत राशि का आधा आपको रिश्वत के रूप में मुझे देना पड़ेगा। तो उसी तारतम्य में आज उनको 1,00,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है, जिसमें 50,000 रुपये नगद और 50,000 राशि के चेक जब्त किए। एक्चुअल में इनको रिश्वत राशि लेते हुए उनके निवास स्थान पे पकड़ा गया है, वो किराए के मकान में रहते हैं MPB ऑफिस के पीछे। सुभाष, रिश्वत लेने का तो संभवतः ये पहला मामला होगा? अभी तक तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद पहला ही है कि चेक के उससे उन्होंने लिया है 50। और हाथ में उन्होंने पैसे दिए थे या नीचे में ले हैं? नहीं, इन्होंने लोकायुक्त टीम को आते हुए देख के फेंक दिया था, लिया है लेकिन फेंक दिया है। हल्का गुलाबी आया, इट मीन्स रंगा है, उन्होंने हाथ में लिया तो रंगा है। क्या नाम है आपका? मैम, मेरा इंस्पेक्टर मंजू सिंह। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।